अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। तो दोस्तों, इस हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, बॉलीवुड की विक्रम वेधा, वही साउथ सिनेमा के PS1। एक तरफ जहां विक्रम वेधा ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की, वही दूसरी तरफ PS1 दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PS1 और विक्रम वेधा के शुरुआती 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म PS1 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है मणि रत्नम सर ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं जिया विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्थी, जयम रवि और त्रिशा कृष्णन। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो मिक्स थे, लेकिन मिक्स रिव्यूज के बावजूद भी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 36,50,00,000 रुपए की कमाई कर गई। वही फिल्म का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ रुपए रहा। दूसरे दिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया होल्ड बना के रखी, और सेकंड डे फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 33 करोड़ 33 करोड़ रुपए रहा, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ रुपए। तो फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट से 14 करोड़ की कमाई की, यानी कि सेकंड डे फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 54 करोड़ 54 करोड़ रुपए का रहा। अब बात करें फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों इंडिया में PS1 को अपने तीसरे दिन जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं पहले दिन से भी बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक PS1 अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 37 करोड़ 37 करोड़ रुपए, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 44 करोड़ रुपए। तो ओवरसीज मार्केट से फिल्म तीसरे दिन 10 से 12 करोड़ कमा सकती है, यानी कि दोस्तों PS1 का तीसरे दिन का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 56 करोड़ यानी कि 56 करोड़ का हो रहा है। अब अगर जोड़े कि शुरुआती 3 दिनों में फिल्म का इंडिया और वर्ल्ड वाइड टोटल कितना कलेक्शन होता है, तो दोस्तों 3 दिनों के अंदर PS1 का इंडिया नेट कलेक्शन 106 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 126 करोड़ रुपए, वही 3 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो एस्टिमेट 190 करोड़ के रेंज में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म 3 दिनों में अभी तक के आए डाटा के हिसाब से 190 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड मार्केट से कमा रही है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड की फिल्म विक्रम वेधा के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है पुष्कर और गायत्री ने, और इस फिल्म में ऋतिक रोशन सैफ अली खान की जोड़ी देखने को मिल रही है। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का बजट 175 करोड़ रुपए है, और इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया था, और फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन अपडेटेड 10 करोड़ 58 लाख रुपए का किया। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक हल्की सी ग्रोथ आई, और सेकंड डे विक्रम वेधा ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ का किया। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन विक्रम वेधा के कलेक्शन में भी एक हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यहां पर विक्रम वेधा फिल्म तीसरे दिन संडे होने की वजह से इवनिंग और नाइट शोज में काफी अच्छी बुकिंग कर चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक विक्रम वेधा अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 16 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों विक्रम वेधा का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 40 करोड़ 40 करोड़ रुपए का, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 47 करोड़ 60 लाख रुपए। फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 18 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों विक्रम वेधा का शुरुआती 3 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 65 करोड़ 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन और फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ 10 लाख रुपए।